सिल्वर बॉयज इंटरव्यू विद टिकटॉक कॉमेडी प्रेजेंटेड बाय आमना सामना मीडिया नेटवर्क। मिमिक्री आर्टिस्ट चंदन कुमार सिंह, धर्मा यादव, मिथिलेश कामत, वीडियोग्राफी शाइन पटेल, एंकर राशिद अजीम। आमना सामना इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम शानदार जूहू पर सिल्वर मैन यहाँ पर खड़ा है और कितना खूबसूरत बना है। मैं शाहीन पटेल से कहूँगा कि सेल्फी निकाले इसके साथ में, और इतना खूबसूरत सिल्वर मैन ये बीएमसी की तरफ से है, सरकार की तरफ से है। शाहीन आप एक सेल्फी निकालिए साथ में। शाहीन जो सेल्फी ले रही हैं और इस जूहू में यहाँ पर ज़बरदस्त नज़ारा है और बहुत खूबसूरत रात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या शाबाश, बहुत खूबसूरत। अरे ये तो जीता जागता इंसान है क्या भाई साहब? आप तो, हम तो समझ रहे थे कि आप स्टैचू बने हुए सरकार की तरफ से हैं, और आप तो जीते जागते इंसान बने हुए, क्या बात है? ये फॉरेन में चलता है, अपने इंडिया की नहीं है ये, तो हम लोग फॉरेन से ही सीखे कि यानी यूट्यूब पे, फॉरेन तो गए नहीं लेकिन यूट्यूब पे देखते थे कि हाँ ये स्टैचू का वर्क है, ऐसा है, उसी तरह से कर करके अपना मेकअप का, अपना कॉस्ट्यूम का तैयारी किया और ये काम स्टार्ट किया। कब से कर रहे हैं आप ये? सर मैं 4 महीने से कर, 4 महीने से कर रहे हैं जी। तो दिन भर में कितना कुछ मिल जाता है, कुछ हो जाता है? वो पब्लिक पे डिपेंड रहता है, वही मेरे लिए सब कुछ है। आते हैं सेल्फी लेते, बहुत सारे लोग कुछ इनाम दे के जाते, कुछ ऐसे होते कि फोटो वोटो लेकर अपना निकल जाते, तो उसके लिए कोई बात नहीं, मैं कोई चार्जेज नहीं रखा। और मतलब कोई अफसोस नहीं होता आपको कि भाई लोग आते हैं फोटो लेते हैं आपको कुछ? नहीं नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं, खुशी होती है, खुशी होती है कि हाँ मेरा फोटो जा रहा है ना, वही मेरे लिए बहुत। लोग खुश हो रहे हैं आपको देख कर, ऐसा आपका दिल है ना, आपको देख कर खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हमें देख करके बहुत ही इंटरटेनमेंट होते हैं ना, पब्लिक यदि खुश रहती है तो मुझे बहुत ही आनंद आता है, पैसा। इसके अलावा भी आप लोग जो है, जो आप इस तरह के एक्ट जो है कई फिल्मों में भी कोशिश की आपने, या जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, टिकटॉक है, ये है, जी, वो है। जी जी, टिकटॉक में भी मेरा आईडी है, डीमेट में आईडी है। किस नाम से? में टिकटॉक में है सिल्वर यूनिक बॉय सीके। सिल्वर यूनिट बॉय, यूनिक बॉय। अच्छा, हमने क्योंकि यहाँ सिल्वर मैन नाम दिया आपको। तो सिल्वर लाइकी में मैं सिल्वर मैन हूँ, डीमेट में सिल्वर मैन हूँ। अच्छा, आपके साथ में, अच्छा मैं उस सवाल पे बाद में आऊँगा कि आपके साथ में और कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, है ना, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, आपके साथ में यहाँ मौजूद है। मैं ये कहना चाह रहा था कि 4 महीने पहले, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर मैं कैमरा अटेंडेंट का काम करता था, सीरियल लाइन में। सीरियल लाइन में जी। तो इतनी अच्छी लाइन छोड़कर आप यहाँ आ गए? सर उसमें ये था कि पैसा मुझे होता था बट मैं कुछ सीख नहीं पाता था। अच्छा, और मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, मुझे बचपन से ही सिंगिंग का बहुत सिंगिंग का भी शौक है। वाह क्या बात है। तो इसके वजह से मैंने वो लाइन छोड़ करके इसमें आया, तो मेरा इधर का भी काम निपट रहा है और मैं सीख भी रहा हूँ, प्लस टिकटॉक चल रहा है, डीमेट चल रहा है, डीमेट से भी मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया। कौन सा सिंगर पसंद है आपको? सिंगर में हमें रफ़ी साहब। रफ़ी साहब, वाह, कोई एक लाइन सुनाएंगे रफ़ी साहब की? सुनाएंगे, सुनाइए। मेरी दुश्मन है वो, मेरी उलझन है वो, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है, लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जवा होते हैं वहाँ। अरे सबको पता है ये दास्ता, इस घर में है एक लड़की जवा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा गया। आपने अपने सभी दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि इनके साथ में जो टिकटॉक जो लोग बनाते हैं, लोगों के इन्जॉयमेंट के लिए, लोग खुश होते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ भी इनका एक मंशा ये है कि यहाँ खड़ों के लोग इन्जॉय करें, कुछ दो पैसे भी हासिल हो जाए। आइए हम उनसे ही बात करेंगे। आपने अपना नाम नहीं बताया ये? सर मेरा नाम चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह, कहाँ के आप? मैं बिहार से। बिहार से? मैं ये पूछ रहा था कि आपके साथ में और कौन कौन से साथी हैं? हमें 3-4 साथी हैं जो मुझे हेल्प करते हैं और मेरे वीडियो में बहुत सारे में काम करते हैं। अच्छा, और अच्छे एक्ट करते हैं। अच्छा वाह, तो उनसे मिलाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल मिलाएंगे सर। मैं आमना सामना मीडिया के जो दर्शक है,
हम ये बताना चाहेंगे कि ये चंदन कुमार सिंह जो हैं, इनके और भी साथी हैं, टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसा कोई कॉमेडी सीन जो आप लोग करते हो टिकटॉक पे या मिमिक्री वगैरह, वो आप करके बताएं, है ना। हाँ ठीक है, अब हम जाते हैं कैमरे की तरफ और आपको एक्ट करके बताना है ना। तो आपके जो साथी हैं उनको बुलाइए, पता हम उनसे बात। धर्म जी, मिथले जी, धर्म जी, जी सर, पूरा नाम क्या है? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र यादव, धर्म यादव, धर्म यादव जी। ये टिकटॉक वगैरह करते हैं, आपको कितना क्या इसमें फ़ायदा क्या लगता है, क्या क्या क्यों करते हैं सर? ऐसा होता ना कि हम लोग टिकटॉक इसलिए करते हैं ताकि क्या है, हम लोग कुछ बन जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग इतनी दूर से आने का मतलब क्या होता है हम लोगों का, कि इतनी दूर से आए हैं तो मुंबई से वापस जाऊँ तो कुछ कर बन के जाऊँ, मुंबई में कुछ बन के जाए जी। फिल्म नगरी में कहीं ना कहीं आपने नाम कमाया, सीरियल वगैरह में मौका मिला आप लोगों को, है ना सर? ये ओपिनियन रहता है, ये मकसद रहता है जी। हाँ, यही सीरियल सर। ठीक सर, लेकिन क्या है सर कि क्या है, कहते हैं ना सर, जहाँ पैसा चलता है ना वहाँ पे छोटे मोटे लोग नहीं चलते जी। तो हम लोग क्या ठहरे, छोटे मोटे लोग जी। अभी क्या है, कोई बड़े घर का बच्चा आता है तो क्या है, पैसा फेंका उनका काम हो गया। बहुत से टिकटॉक के जो है बॉयज हैं जी, काफ़ी फेमस हुए वो जी, और यहीं से जो आगे बढ़े वो जी, जी। तो उसी तरीके से सर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग अपना करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, जब हम लोग फेमस हो जाएंगे तो कोई ना कोई तो हमें मांगेगा ही मांगेगा जी। इसके लिए सर हम लोग अपना करते हैं, किसी का कोई भी सपोर्ट नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। आपके दूसरे साथी क्या नाम है उनका? आइए आपकी, मिथिलेश भाई, मिथिलेश भाई, मिथिलेश आपका क्या नाम है? निकलेश। मेरा नाम है मिथिलेश। मिथिलेश, अच्छा, तो ये कॉमेडी वगैरह कहाँ से आप लोगों ने कहा, कलाकारी कहाँ से सीखी? नहीं, हम लोग देखते हैं टिकटॉक पे, लाइकी पे, वीमेट पे, ये सब देखते रहते हैं, फ्री टाइम में बैठते हैं। तो चलिए आप लोग अभी हम आप लोगों से एक एक्ट जो है ना वो चाहेंगे आप लोग करें, हम उसको शूट करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे, ठीक है? ये थे टिकटॉक के बॉयज, सिल्वर बॉयज। आइए हम इनकी एक्टिंग देखते हैं, इनकी मिमिक्री देखते हैं। बोला था मैंने, भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई हाँ, लेकिन छोटी सी जान डालना भूल गए। जान ना डालने के बाद भी हमारे भाई इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक ये महा से एक्टर, एक ये महा से डायरेक्टर। क्या हुआ, पब्लिक है लाइक करते नहीं, फॉलो करते नहीं, साला देखा नहीं वीडियो ऊपर चला गया इसके ऊपर, सैफ अली खान क्या बोलते, अरे वाह क्या बात है यार, अरे यार जैसा कि नाना भाई आपने बोला बिल्कुल सही बात है, पब्लिक देखती तो है लेकिन इग्नोर कर देते, अरे हटा ना यार, साला इसी की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। साला जो फेमस है उसको तो खटाखट लग जाता है, लेकिन यार मेरे सिल्वर भाई को बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल ही ना इंसाफ। इसके ऊपर बच्चन साहब, छोड़ो बच्चन साहब बोल रहे हो। भाई देखिए, देखिए भैया, मेरा तो सिर्फ कहना इतना ही है कि देखिए भैया, हमारे सिल्वर भाई इतनी मेहनत करते हैं, अगर जो भैया आप उनको लाइक नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो भैया वो कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए भैया, सबसे बड़ा जो सपोर्ट है भैया वो आप लोगों का है, क्योंकि अगर जो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भैया कुछ भी नहीं है, अगर जो आप सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत कुछ है। खैर कोई बात नहीं, इसी के हटते अब आते हमारे सनी देओल। बिल्कुल सही बात है, ये पब्लिक है कि लाइक और फॉलो दोनों ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, एक दिन जिस दिन मेरा टाइम आया उस दिन मैं सबको बताऊँगा।